हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, हमारे पास एलजी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का फ्रंट पैनल है, पीसीबी, और ये टच टाइप है। इसमें सब मोबाइल की तरह टच होता है। इसमें एक्चुअली ये स्टार्ट बटन काम नहीं कर रहा है, तो आजकल जो सब कुछ टेक्नोलॉजी सब टच पे आ रहा है और प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि ये मशीन पूरे मॉइस्चर में वाटर चला जाता है तो टच ज़्यादातर ख़राब हो जाते हैं। तो इसे कैसे रिपेयर करना है आपको आगे वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के साथ में बने रहिए। तो मैं बताता हूँ आपको, इसमें कई टच हैं। अभी मैं टच करूँगा तो ऑन हो जाएगा। इसमें कई बटन्स हैं, तो एक्चुअली इसमें एक स्टार्ट बटन ख़राब हो गया है, ये ऑपरेट नहीं हो रहा है। तो मैं ऑन करता हूँ इसको, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये वाला काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है। प्री वॉश तो अभी एक्टिव नहीं होगा, ये तो अभी भी एक्टिव नहीं होगा। पी एरर आ रहा है, वायरिंग्स में कनेक्ट नहीं है, पर फॉल्टलेस में है, ये हमने चेक कर लिया था। तो वही पीसीबी को खोलते हैं पहले पूरी तरह से पैनल को, और आपको बताते हैं किस तरह से इसे रिपेयर करना है। तो वीडियो के साथ में बने रहिए आखिर तक। तो इसमें टोटल 6 स्क्रू हैं, तो ये 6 स्क्रू पहले खोलते हैं। पीसीबी बाहर निकाल लेते हैं। इसमें लॉक सिस्टम होता है बैक साइड में, उसके लॉक से। तो ये पीसीबी खुल गया है, तो आपको मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें टच बटन्स है, ये पूरे जो भी आपको सिल्वर कलर में दिख रहे हैं, ये स्टार्ट बटन का है। एक देख सकते हैं फेड हो गया है ये, इसमें वाटर जाने से इसका जो कलर फेड हो गया है। एक्चुअली स्पंज के होते हैं ये, आपको मैं बाद में बताऊंगा किस तरह से होते हैं। तो ये एक्चुअली इसमें कॉपर होता है पूरा, ये कॉपर का रिबन होता है। तो ये स्टार्ट बटन में कॉपर का रिबन ख़राब हो गया है, सो इससे टच सेंस नहीं कर रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ ये मल्टीमीटर से चेक करके। तो एक कॉपर स्ट्रिप्स को हम चेक करके देखते हैं कंटिन्यूटी मोड पे। ये देखिए ऐसा चालू है वो, नेक्स्ट ये स्टार्ट बटन है, इस पर कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रहा, इसका मतलब इसमें से कोटिंग पूरा मॉइस्चर से ख़राब हो गया है। तो और एक दो देखते हैं, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, पूर्व में आ रहा, सिर्फ टच ये स्टार्ट वाला में नहीं आ रहा है। इसको निकाल के देखते हैं, ये गम से चिपका होता है, देखिए ये देख सकते हैं स्पंज पे पूरा चारों तरफ से लगा हुआ होता है कॉपर स्ट्रिप। तो इसमें कॉपर का पूरा ख़राब हो गया है। तो हम इसे किस तरह से रिपेयर करेंगे आपको बताते हैं। तो आप इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं, ये कार्बन ब्रश दिख रहा है आपको मिक्सी का, इसका आपको सिर्फ स्प्रिंग यूज़ करना है, कार्बन ब्रश नहीं। और दूसरा मॉडल मतलब दूसरा टाइप, ये एल्यूमिनियम टेप होता है ना, ये भी लगा सकते हैं। ये एल्यूमिनियम टेप भी यूज़ कर सकते हैं आप, इसमें मतलब कंटिन्यूटी रहता है, एल्यूमिनियम का बना होता है। तो आप इसमें से पतला इतना काट के छोटा सा जैसा जितना इसका हिसाब है, ये देख सकते हैं, उसी को आपको चारों तरफ से इसको चिपका देना है और फिर यहाँ पे लगा देना है, इस तरह से लगा के एल्यूमिनियम टेप लगा के इस तरह से लगा देना है, आपका टच पैड काम करेगा। और आपको गम नहीं लगाना है, एल्यूमिनियम टेप को थोड़ा घुमा के वही से आपको चिपकाना है, इसे गम लगाओगे तो फिर कंटिन्यू नहीं आएगा। तो मैं भी क्या करूँगा, ये एल्यूमिनियम का नहीं, मैं स्प्रिंग टाइप का बना के आपको बताऊंगा। ये स्प्रिंग है हमारे पास कार्बन ब्रश का,
ये लगाऊंगा मैं। इसमें देखिए एक छोटा बटन रहता है अंदर, इसी पे घुमाऊंगा तो क्या है, टाइट भी बैठ जाएगा। एक दो तीन राउंड घुमाने से इसमें, तो स्प्रिंग इस तरह से इसमें फंसा देना है। अंदर एक छोटा कनेक्टर रहेगा, कनेक्टर मतलब एक राउंड सा रहेगा, उसमें फंस जाएगा ये, कितना भी लाओगे तो कुछ नहीं होगा। तो उसका भी कट करना है, तो आपको ये हिसाब से ये लेंथ पे कट करना है। थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, तो कुछ नहीं, इसको कट कर रहे हैं। तो कट कर दिया हमने ये हाइट से, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने से कुछ होगा नहीं। एक्चुअली ये लो वोल्टेज इमिट करते हैं, और जो हमारे फिंगर्स में वो होता है ना रेजिस्टिव पावर, उससे काम करते हैं। तो ये गिलास के थ्रू भी वोल्टेज आर पार होता है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, इसमें गिलास लगा हुआ है पूरा। हमने स्प्रिंग टाइप का लगाया है इसमें, नहीं तो आप ये स्पंज होता है, स्पंज को निकाल के आप एल्यूमिनियम का जो मैंने बताया था इससे पहले, उसका पतला स्ट्रिप काट के इस पर भी आप लगा सकते हैं पूरा, ऐसा जो आपको कन्वीनियंट लगे आप वो कर सकते हैं। तो मैंने स्प्रिंग टाइप बताया है आपको, ये देख सकते हैं इसमें भी कोटिंग होता है, और कभी कभी ये कोटिंग निकलने से भी आपका टच काम नहीं करेगा इस तरह से। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये एल्यूमिनियम जो टेप बताया था ना इससे पहले आपको मैं, उसी के हमने पीसेस काट लिए हैं और हमने एक दो लगा भी दिए हैं। तो इसी तरह से हम पूरे सब बटन्स पे जो फेस पे रह जाएंगे सब लगा देंगे। तो इसको चिपकाते हैं, तो हमने पूरे स्विचेस पे जो भी है कंट्रोलिंग का स्विचेस है सब पे लगा दिया। ये लगाने से फ्यूचर में भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तो सब पे लगाने से अच्छा रहेगा। तो आप ये बोर्ड फिर रिवर्स फिट कर देते हैं इस पर। एक बार इसमें कनेक्शन लगा देंगे, ऑन करके देखते हैं एक बार। देख सकते हैं आप साउंड, तो देखा फ्रेंड्स हमने किस तरह से इसका टच पैड रिपेयर किया है। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।